नमस्कार, काशी एक्सप्रेस वर्ल्ड न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं काशी एक्सप्रेस वर्ल्ड न्यूज चैनल KWNC। मैं शशि कुमार शांडवीर के साथ। तो चलिए देखते हैं पूर्णिया से क्या है रिपोर्ट। पूर्णिया में हाउसिंग बोर्ड के जमीन पर सालों से लोग अवैध रूप से रह रहे हैं। SDO कार्यालय से 12 मार्च 2024 और 2 अगस्त को भी जमीन खाली करने का नोटिस दिया गया था। नोटिस का तालीम नहीं करने पर कार्रवाई की गई। सदर अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर रणभूमि स्थित अतिक्रमण जगह के भूखंड संख्या 8846 को खाली करने पहुंची टीम ने टीन और चदरे से बने अवैध निर्माण को JCB से ध्वस्त कर दिया। इससे लोग काफ़ी आक्रोशित थे। वहीं बिहार राज्य आवास बोर्ड भागलपुर प्रमंडल के पदाधिकारी एक्जीक्यूटिव इंजीनियर राजीव रंजन, पूर्णिया के JE महानंदन पासवान, बंदोस्त पदाधिकारी अनिल कुमार, K8 थाना प्रभारी के नेतृत्व में अतिक्रमित जमीन को पुलिस बलों के साथ खाली करने पहुंची। इसी दौरान टीम के साथ नोकझोंक हुई। बताया जा रहा है कि तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान उस वक्त अफरातफरी मच गई जब पुलिस की मौजूदगी में मजिस्ट्रेट बनकर गए बंदोस्त पदाधिकारी अनिल कुमार को असामाजिक तत्वों ने लाठी व बांस डंडे से पिटाई कर दी। वहीं घटना के बाद लोगों ने पुलिस के ऊपर ईंट पत्थर चलाते हुए खदेड़ दिया। बता दें कि हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन पर कई लोगों ने जबरदस्ती अतिक्रमण कर रखा है जो उसके वास्तविक मालिक नहीं हैं। उनको कब्जा नहीं मिल रहा है। वही कोर्ट के आदेश के बाद हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी, मजिस्ट्रेट और थाना के दर्जनों पुलिस लेकर जमीन को खाली करने गई, जिसके बाद वहाँ महिलाओं ने पहले इसका विरोध किया, फिर अचानक लड़कों की फौज आकर पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इसके बाद झट से अफसर ने भागते हुए जान बचाई। तोड़फोड़ से आक्रोशित महिलाओं ने पुलिस पर पत्थरबाजी भी की। इस घटना के बाद पुलिस के जवानों ने लाठीचार्ज कर दिया और लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। ये वाक्या उस समय हुआ जब बंदोस्त पदाधिकारी मीडिया को बयान दे रहे थे। इस घटना के बाद अफरातफरी का माहौल कायम हो गया। लोगों के गुस्से को देख पूरी टीम वहां से निकल गई। JE महानंदन पासवान ने कहा कि अतिक्रमणकारी 12 साल से अवैध रूप से जमीन पर कब्जा कर रखे हैं। जमीन खाली कराने गई पुलिस टीम पर हमला किया जिसमें बंदोस्त पदाधिकारी भी शामिल हैं, जबकि अतिक्रमणकारी का कहना है कि हम लोगों के साथ मारपीट की गई। महिलाओं ने कहा कि बदसलूकी की गई है। बता दें कि हाउसिंग बोर्ड के अंदर सैकड़ों लोगों ने अवैध कब्जा जमा रखा है जिसे खाली करना प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो आइए देखते हैं वहां से क्या है रिपोर्ट। ये आवास मिले था, ये मुआवजा देना होगा आपको। शांत करो, आवास बोर्ड की जमीन थी, 12 वर्ष पूर्व आवंटित था। आवंटी व्यक्ति अपनी कागजी प्रक्रिया से कोर्ट कचहरी डायरेक्टर तक गए, उतना को हमने एक नजर में रिकॉर्ड में देखा। जब मुझे मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया गया तो वो पर्टिकल पार्ट को खाली करने के लिए हमने आए और इन लोगों का सहयोग करेगा।
अरे एक महीना के समय दीजिए भैया, दुकान का सामान सब उठा करके जाएगा अपना, तो आ जाकर एक अपना रूम में चला आइएगा। एक महीना का मदद दीजिए, हम सबका मोहलत दीजिए, एक महीना के बाद हम सब अपने खाली कर देंगे रूम। महिला सब क्या क्या, लेडीज पुलिसनी सब हमको पकड़ के, छोटकी पकड़ के ले गया उन्हें, वो घींच करके पाँच छः लेडीज था हमको पकड़ के वहाँ मार रहा है, सब मिल करके मार के मेरा गला का घींच लिया, कान के घींच गया, घींचा के कहाँ हराया वो, अब वो सब जाने सर हमको मिला नहीं, सब देखे घींच लिया कान का गला का, देखिए सब घींच के लेके चल गया सर। हम यही कोशिश उसका यही कहने का, हम यही कहे उसका के छोड़ दीजिए, और लेडीज पुलिस ने हम कुछ नहीं किए, वो हमको पकड़ के घींच के उन्हें ले गया वहाँ, वहाँ से इशारा दिया और घींच करके उन्हें ले जाकर हमको मारने लगा सब मिल करके, घर तोड़ दिया, फ्रिज त्रिज पाइप घींच रहा था उसको बोले हमके पाइप नहीं ले जाइए, पाइप सब घींच घींच के लेके चल गया, वो सामान जैसा बढ़िया बढ़िया वो सब लेके चल गया। हाँ वो कुछ जगह कहा खाली करने के लिए, हाँ लट्टी से रेखा।